हाय गाइस, मेरा नाम मयंक शर्मा है एंड हमारी कंपनी का नाम एम स्टूडियो है। हम लोग इंदिरापुरम बेस्ड है एंड आज हम जिस फ्लैट के ऊपर खड़े हैं ये मयूर विहार के अंदर सिचुएटेड है। ये एक डीडीए का फ्लैट है एंड ये बहुत ही पुरानी बैड कंडीशन में था। पिछले 3 साल से फ्लैट ये क्लोज था, तो उसको पूरा कंप्लीट हमने मेकओवर किया है। उसी का मैं एक रूम टूर आपको देने वाला हूँ आज। एंड उसकी पहले भी आप वीडियोस हमारे चैनल पर देख चुके होंगे, इसकी मॉड्यूलर किचन की और रूम्स की मल्टीपल वीडियोस आपको पहले भी देखने को मिलेंगी और शॉर्ट्स भी। तो आइए प्लीज, मैं आज एक रूम का आपको टूर देता हूँ। सो ये एक रूम है, उसकी एंट्रेंस है हमारी। इसमें जो आप ये डोर फ्रेम्स देख रहे हैं, जितनी भी चौखट थी, ये सारी लोहे की चौखट थी, तो ये कम्प्लीटली हमने चेंज करी है। डोर चौखट, डोर पैनलिंग और डोर्स, ये कम्प्लीटली चेंज है। जितनी डोर की आप लैमिनेट्स देख रहे हैं, ये सारे की सारे वीडियो फिनिश के अंदर हमने ली है। एंड इसको फर्दर एनहेंस करने के लिए हमने सारी इसमें रोज गोल्ड की स्ट्रिप्स लगाई हुई है, टी प्रोफाइल्स भी जिसको हम बोलते हैं। 10 mm की पूरी टी प्रोफाइल्स है, उसी से मैचिंग आपने यहाँ पे रोज गोल्ड का हैंडल लिया हुआ है। यहाँ से ये रूम की एंट्रेंस है। एंटर होते ही आप देखेंगे सबसे पहले हमारी फॉल सीलिंग है। जो रूम का साइज है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 by 12 का रूम का साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक मिनिमल से एक फॉल सीलिंग रखी है विद व्हाइट लाइट्स एंड कोब लाइट्स, जिसमें कि हमें दोनों टाइप के लाइट इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसा कि हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जगह पे मैक्सिमम स्टोरेज, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक ही वार्डरोब का ऑलरेडी स्पेस था बिल्डर के थ्रू, एक एडिशनल हमने साइड में वार्डरोब 8 फीट की क्रिएट किया है। जो आप बेड देख रहे हैं, साइज को अपने ध्यान में रखते हुए क्वीन साइज यहाँ पे बेड रेडी किया है। 5 by 6 का एक टोटल बेड है। एंड अगर मैं पूरे रूम की थीम की बात करूं तो पूरा व्हाइट एंड ग्रे के अंदर हमने थीम ली हुई है। जितनी भी हमारी वार्डरोब्स है, टीवी कंसोल है, बेड है, ईच एंड एवरीथिंग इज ग्रे एंड व्हाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी पुरानी ओल्ड विंडोज थी, उसको चेंज करके हमने यहाँ पे पूरी यूपीवीसी विंडोज, 3 ट्रैक स्लाइडर विंडोज लगाई है। जैसा कि वार्डरोब के अगर मैं बात करूँ तो वार्डरोब पे भी अगेन आप देखेंगे बहुत ही सुंदर ये हाई ग्लॉस एक्रेलिक फिनिश के अंदर हमने ग्रे लैमिनेट यूज की है। थोड़ा सा उसको फर्दर एनहेंस करने के लिए जो पूरे घर में हमारी थीम चल रही है रोज गोल्ड की, उससे मैचिंग की हमने यहाँ पे हैंडल्स लिए है। वार्डरोब के अंदर की मैं बात करूँ तो सारी ये प्रोफाइल लाइट्स वाली वार्डरोब है, जिसको ऑन करते ही, ओपन करते ही आपकी लाइट ऑन हो जाती है। इसमें डोर स्विच आपका लगा हुआ है, जैसे डोर्स क्लोज होंगे लाइट्स आपकी ऑफ हो जाएगी, डोर्स ओपन करते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। जितने भी मैं हार्डवेयर की बात करूँ, सारा का सारा हमारा ये सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर लगा हुआ है प्योर एसएस के अंदर, यही हम लोग सारी साइट्स पे यूज करते हैं। एक रूम की जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें हमने ध्यान में रखते हुए कोशिश करी है हर चीज यहाँ पे इनको प्रोवाइड करने की। जैसा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ड्रेसिंग की, तो एरिया कम होने की वजह से हमने यहाँ पे इसी के साथ ही मैचिंग में रोज गोल्ड फिनिश के अंदर ही एक मिरर दिया हुआ है। एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक टीवी कंसोल क्रिएट किया है। टीवी कंसोल अगेन, क्योंकि रूम हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कंजेस्टेड ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए टोटल 6 by 4 का हमने टीवी कंसोल रेडी किया है। इसकी भी थीम की अगर मैं बात करूं तो पूरा व्हाइट एंड ग्रे कलर में है ये। एंड इसके साथ में एक वर्टिकल यूनिट हमने क्रिएट करी है, जिसमें कोई भी क्लाइंट अपने आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं या अपना कोई जरूरत का सामान रख सकते हैं। नीचे सेटअप बॉक्स के लिए और प्रॉपरली डीवीआर रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी कंसील्ड वायरिंग यहाँ पे हमने क्रिएट की हुई है। सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है, HDMI केबल्स है, वो सारी ऑलरेडी अंदर डली हुई है, इनबिल्ट है। तो अगर जैसा कि मैं फ्लोर की बात करूं तो यहाँ पे पूरा 2 by 4 का हमने इटालियन फिनिश के अंदर एक पूरा हाई ग्लॉस फिनिश में फ्लोर लगाया है। ये जो भी टाइल्स है ये सारे के सारे एंडलेस टाइल्स है। इसमें आप देखेंगे जॉइंट्स इतना इजीली विजिबल नहीं होते एंड जितने भी रेशे हैं वो सारा कॉन्टिन्यूशन पे। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर प्लीज बताइए, एंड जो भी आपके फीडबैक हो वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।